हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका ट्रैकिंग सिस्टम। तो ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग मतलब अपना यूनिट 3 रनिंग है, और उसमें हमने देखा था कि ओवरहेड कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट का मैंने नाम लिखवाया था, जिसमें पहला हम लोगों ने देखा था ऑटोमेटिक वेट टेंशन एंड टेम्परेचर कंपनसेशन। ठीक है, कि किस तरीके से अगर टेम्परेचर की वजह से वेट जो कंडक्टर का वेट है, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का या उसके कैटेनरी कंस्ट्रक्शन में किसी भी तरीके का अगर डिफरेंसेस आता है, चेंजेस आता है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, तो हमने देखा था कि विद द हेल्प ऑफ वेट कंट्रोल मेथड वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, कि हम लोग देख रहे थे कि दो टावर के बीच में, जिनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हम लोग रहते हैं, 1500 मीटर। ठीक है, और दोनों इंड पे हम लोग क्या कर रहे थे कि ऑटोमेटिक वेट कंट्रोल लगा रहे थे, जिसका वेट था 400 kg। ठीक है, और इन केस अगर जैसे हम लोग ने देखा था कि अगर किसी भी कंडक्टर का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक खासियत होती है कि अगर उसको हीटअप किया जाए, ठीक है, अगर उसको हीट किया जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो फैलने लगता है। ठीक है, और देन अगर उसको ठंडा किया जाए तो वो क्या होगा, सिकुड़ने लगता है। ठीक है, सिकुड़ने लगता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अपना कंडक्टर के ऊपर भी है कि जैसे हमेशा टेम्परेचर चेंज होते रहता है, कभी गर्मी रहता है, कभी ठंडा रहता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि अपना जो कंडक्टर है, ओवर हेड कंडक्टर जो ट्रैक के जस्ट ऊपर होता है, जहाँ से अपन लोकोमोटिव के लिए करंट को कलेक्शन करते हैं, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, एक बार वो उसके इन द मतलब कि इन द सीजन ऑफ समर, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा कि जो कंडक्टर है, ठीक है, उसका जो कर्व बनता है, ठीक है, वो कर्व मतलब कि कर्व क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग विंटर की बात करें तो जो कर्व है वो क्या हो जाएगा आपका कि रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, उससे क्या होगा कि एक टाइम पे क्या हो जाएगा कि जब कर्व मेरा जो कैटेनरी कर्व जो बन रहा था वो नीचे आ जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि वो मेरा वायर लूज हो जाएगा, और जो पेंटोग्राफ है उस पर आपका क्या हो जाएगा, वेट पड़ना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से पेंटोग्राफ टूट सकता है। अगर आपका जो कंडक्टर है जो ऊपर की तरफ चला जाए, तो पेंटोग्राफ को उसको टच करने के लिए पेंटोग्राफ को एफर्ट लगाना और ऊपर करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ट्रैक पे अगर 120, 110, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रेन दौड़ती है, तो अपने को ऐसा करना है कि हर एक जगह पे जो आपका कंडक्टर जो है, जिसे अपना पेंटोग्राफ टच कर रहा है, ठीक है, वो सेम लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, पेंटोग्राफ टूट सकता है, वायर टूट सकता है, और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसमें पहला हम लोग ने देखा था, जिसका नाम था ऑटोमेटिक वेट टेंशन एंड टेम्परेचर कंपन। कैसे अगर इस तरीके से उसमें वेरिएशन हो रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे कि दोनों एंड पे हम लोग क्या कर रहे थे कि वेट कंट्रोल लगा रहे थे। ठीक है, कि अगर अगर वायर लूज होता है, ठीक है, तो वो कंडक्टर जो जहाँ पे वेट कंट्रोल लगा रहा है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक रहता है, वो ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, एडजस्ट करेगा हमेशा कंडक्टर को एक लेवल में लाने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से किसी भी तरीके का वेरिएशन होता है, तो कंडक्टर में किसी भी तरीके का चेंजेस होता है, तो ऑटोमेटिक वेट कंट्रोल है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक अपने हिसाब से कंडक्टर के चेंजेस को क्या करेगा कि देखेगा, अब अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखा, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना के आपको समझा दिया था, कुछ पॉइंट्स हैं उसको अपन देख लेते हैं, अगर एग्जाम्स में आता है तो इसी तरीके से आपको लिखना है। क्लियर, देखिए यहाँ पे, और बाकी डिटेल में हम लोगों ने इसके देख ही लिया था कि पूरा दो डायग्राम मैंने बनाया था, उसको 1v1 करके पूरा आपको समझाया था इसका। ठीक है, पहला इसमें ऑटोमेटिक वेट टेंशन एंड टेम्परेचर कंपनसेशन। क्लियर, देखिए, फॉर स्पार्कलेस करेंट कलेक्शन बाई पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ क्या होता है और डिटेल में पढ़ेंगे। पेंटोग्राफ एक करेंट कलेक्टिंग सिस्टम है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, करेंट को कलेक्ट करते हैं। कहाँ से? ओवरहेड वायर से, क्योंकि यही लोकोमोटिव के ऊपर लगा हुआ रहता है, और यही वायर को क्या करता है, फेज वायर को टच करते रहता है। ठीक है, और देन वहाँ से करेंट आपका कलेक्ट होके अपना लोकोमोटिव में आता है। ठीक है, तो पेंटोग्राफ क्या है, एक करेंट कलेक्टिंग डिवाइस है। ठीक है, फॉर स्पार्कलेस करेंट कलेक्शन बाई पेंटोग्राफ कलेक्टर अंडर हाई स्पीड, इट इज नेसेसरी दैट द कॉन्टेक्ट वायर शुड नॉट ओनली रिमेन हॉरिजेंटल एट द टाइम ऑफ इरिक्शन, बट शुड रिमेन सो अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड विंड प्रेशर लाइकली टू बी इनकाउंटर्ड इन द सर्विस। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे थे, ये देखिए कि ये आपका क्या है, ये आपका ओवरहेड कंडक्टर है। ठीक है, और इसी से आपका पेंटोग्राफ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और ये ठीक है,
तो ये देखो ये कंडक्टर, ये पेंटोग्राफ इस वायर को टच करते रहते रह से अपना लोकोमोटिव आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। एक लोकोमोटिव यहाँ पे है और इसी से अपना पेंटोग्राफ अटैच है और इस तरीके से अपना लोकोमोटिव आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो हमेशा ये जो अपना वायर होता है, ठीक है, इसका ये हमेशा क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। हमेशा इसको हॉरिजेंटल हम लोग रखते हैं कि और हर एक कंडीशन में ना, इरेक्शन का मतलब होता है कि जिस टाइम उसको इरेक्ट किया जाए, जिस टाइम उसका निर्माण किया जाता है, ठीक है, नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ इरेक्शन, बट कि हर एक कंडीशन, हर एक प्रेशर में, हर एक टाइम पे जो आपका ओवर कंडक्टर रहता है वो हॉरिजेंटल रहता है और हम लोग उस तरीके से उसको डिज़ाइन करते हैं। स्पार्कलिंग्स का मतलब क्या होता है कि स्मूथ, ठीक है। अगर मान लो कि अगर कोई कंडक्टर भी क्या है, एक तरीके का कंडक्टर मतलब कि है, अगर उसमें अगर सही तरीके से जो पेंटोग्राफ है वो वर्क नहीं किया तो उसमें स्पार्क होना चालू हो जाएगा, ठीक है, स्पार्क होना चालू हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका पेंटोग्राफ भी डैमेज हो सकता है आपका। एक टाइम पे कंडक्टर जो है वो भी वीक, किसी चीज़ में बार बार स्पार्क होगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि स्पार्कलेस करंट कलेक्शन जो होता है पेंटोग्राफ के द्वारा, ठीक है, तो अपने को स्पार्कलेस इस तरीके से स्मूथ करंट कलेक्शन चाहिए। तो हमेशा हम लोग कंडक्टर को हॉरिजॉन्टल रखते हैं और हर एक कंडीशन में, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर चेंज हो, विंड का प्रेशर हो, कुछ भी हो, हम लोग इस तरीके से उसको अरेंज करते हैं कि जो अगर पटरी पे जो अपनी ट्रेन हाई स्पीड के साथ दौड़ रही है तो उसको अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए ताकि जो आपका पेंटोग्राफ है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथली करंट को कलेक्ट करे, ठीक है। आगे देखिए, इन एन अनरेगुलेटेड ओ एच ई, ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि अनरेगुलेटेड ओ एच ई, अनरेगुलेटेड ओ एच ई में ये होगा कि उसमें ऑटोमेटिक वेट कंट्रोल, वेट कंट्रोल जो आपका वेट टेंशन एंड टेम्परेचर कंपनसेशन होगा ही नहीं, ठीक है, अनरेगुलेटेड है उसमें। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर मान लो कि अगर टेम्परेचर की वजह से जो अपना ओवर हेड कंडक्टर उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस होगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो अपन पेंटोग्राफ के द्वारा करेंट को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका स्मूथलेस नहीं होगा, ठीक है, वो स्पार्क करेगा, ठीक है। गर्मी के टाइम पे क्या होगा कि कंडक्टर का जो सैग है वो इंक्रीज हो गया, सर्दी में डिक्रीज होगा, तो इस तरीके से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अनरेगुलेटेड में, ठीक है। तो उसे क्या होगा कि हर एक टाइम पे अपने को पता है कि लाइन में कहीं ना कहीं खराबी आ गई, ठीक है, या कुछ और प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि रेगुलेटेड ओ एच ई यूज करें, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि इन अनरेगुलेटेड ओ एच ई इन विच देयर इज नो प्रोविजन फॉर टेम्परेचर कंपनसेशन। अगर आपका रेगुलेटेड ओ एच ई है तो उसमें टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए हम लोग ऑटोमेटिक वेट कंट्रोल टेंशन लगा रहे हैं। अनरेगुलेटेड ओ एच ई है, ओवर हेड इक्विपमेंट है, ठीक है, तो उसमें कोई भी हम लोग इस तरीके का डिवाइसेस यूज नहीं करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर के कंपनसेशन के लिए। तो उससे क्या होगा कि जो अपना कंडक्टर का जो शेप है वो चेंज होता रहेगा, बहुत सारी उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होते रहेगा, ठीक है। तो इन एन अनरेगुलेटेड ओ एच ई इन विच देयर इज नो प्रोविजन फॉर टेम्परेचर कंपनसेशन, अनरेगुलेटेड में किसी भी तरीके का प्रोविजन नहीं होता टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए, क्लियर। टेम्परेचर कंपनसेशन सैग एंड टेंशन इन कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर आर सो सब्जेक्टेड दैट कॉन्टैक्ट वायर रिमेन अप्रॉक्सीमेटली हॉरिजेंटल एट द टाइम ऑफ इरिक्शन, ठीक है। मतलब यही बोला जाता है कि अगर अनरेगुलेटेड आपका ओ एच ई है तो उसमें आपका टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए, सैग एंड टेंशन के लिए किसी भी तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। और हमेशा जो आपका कंडक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है कि वो हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। देन उसी से आपका क्या होता है कि जो आपका पेंटोग्राफ है वो टच करते रहता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अनरेगुलेटेड ओ एच ई ओवर हेड इक्विपमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर करेंट कलेक्शन एट हाई स्पीड। अगर इस तरीके का अनरेगुलेटेड ओ एच ई है तो ये क्या है कि बिल्कुल अपने लिए सुटेबल नहीं है, अगर हाई स्पीड ट्रैक के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, उससे क्या होगा कि बहुत तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसी चीज़ को लिख दिया गया। दिस टाइप ऑफ अनरेगुलेटेड ओ एच ई इज नॉट सुटेबल फॉर करेंट कलेक्शन एट हाई स्पीड एज इन इनकाउंटर्ड ऑन मेन लाइन एज टेंशन वेर इज इनवर्सली एज टेम्परेचर, इट अफेक्ट द स्टिफनेस ऑफ लाइन एंड डायनेमिक। स्टिफनेस का मतलब क्या हो गया, स्टिफनेस का मतलब हो गया कठोरता, ठीक है, कठोरता, ठीक है, और डायनेमिक बिहेवियर में। तो अगर हम लोग बात करें कि जो अनरेगुलेटेड आपका ओएचई होता है ना, उसमें किसी भी तरीके का टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए कोई भी डिवाइस हम लोग नहीं लगाते,
जब कोई भी डिवाइसेस हम लोग कंट्रोल के लिए नहीं लगाएंगे तो कुछ भी होगा तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, ठीक है। अगर मान लो कि उस पर कोई हाई स्पीड हम लोग ट्रेन दौड़ा रहे हैं, ठीक है, और उसमें टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए कोई डिवाइसेस नहीं है, तो उसी वजह से क्या होगा कि बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और वो प्रॉब्लम आगे जो आपका सर्विस के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक हो सकती है, ठीक है, आपका पेंटोग्राफ ब्रेक हो सकता है, आपका वर्क कंडक्ट बहुत मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। आगे इसमें और हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे देखिए कि कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, वो पॉइंट लिखवा देता हूँ कि एग्जाम में इसी तरीके से आपको क्या करना है, उसको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आता है तो सबसे पहले अपने को डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और उसी सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे वन बी वन करके पॉइंट आउट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आगे देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये आपके नोट्स बनाने के काम आएगा। ओके चलिए देखिए, इसमें इन ऑर्डर दैट द कॉन्टेक्ट वायर रिमेन्स एट द सेम लेवल अंडर ऑल वेदर कंडीशन, ठीक है। यह कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेदर कंडीशन, चाहे वो समर हो, रेनी सीजन हो, या आपका विंटर हो, तो हर एक कंडीशन में जो कंडक्टर है ना वो हमेशा क्या होगा, एक ही लेवल पे होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आपका समर आ गया तो ये इसका लेवल लो हो गया, विंटर आया तो इसका लेवल हाई हो गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को, सेम लेवल को हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करने के लिए इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक वेट टेंशन डिवाइस लगाते हैं, ठीक है, ताकि अगर किसी भी तरीके का टेम्परेचर की वजह से उसमें किसी भी तरीके का वेरिएशन होता है तो उसको एडजस्ट किया जा सके, और हम लोग उसको क्या कर सके कि हमेशा एक ही लेवल पे बनाए रखें हम लोग, क्लियर। तो इस चीज़ को लिख दिया मैंने, इन ऑर्डर दैट द कॉन्टेक्ट वायर रिमेन्स एट द सेम लेवल अंडर ऑल अदर कंडीशन, ठीक है, कि कोई भी कंडीशन में जो आपका कॉन्टेक्ट वायर है वो हमेशा क्या होता है, वो आपका एक ही लेवल पे रहता है, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू कीप द टेंशन इन द कैटेनरी एंड कॉन्टेक्ट वायर कॉन्स्टेंट अंडर ऑल टेम्परेचर लाइकली टू बी इनकाउंटर्ड इन सर्विस एंड अलाउ मूवमेंट ऑफ वायर्स अलॉन्ग द ट्रैक विच रिजल्ट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि हर एक कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका कॉन्टेक्ट वायर है उसको हमेशा एक लेवल पे रखने का हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो जो अगर हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन देखे थे तो ऊपर में जो वायर होता है उसको कैटेनरी वायर होता है, जस्ट उसके नीचे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट वायर या फेज वायर, ठीक है। तो उसमें हम लोग हमेशा एक टेंशन क्रिएट करते हैं, कितना 100 1000 kg 1000 kg का, ठीक है। वाई इस तरीके का स्ट्रेस को अपन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका कैटेनरी वायर है और कॉन्टेक्ट वायर, उसमें हमेशा 1000 kg का अपना टेंशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उस चीज को मैंने लिखवा दिया, इट इज नेसेसरी टू कीप द टेंशन इन द कैटेनरी एंड कॉन्टेक्ट वायर, ठीक है, कि हमेशा उसमें क्या टेंशन हम लोग क्रिएट करते हैं, और वो टेंशन कितने केजी का होता है कैटेनरी वायर और कॉन्टेक्ट वायर में, ठीक है, वो होता है 1000 kg, ठीक है, एंड कॉन्टेक्ट वायर कॉन्स्टेंट, ठीक है, अंडर ऑल टेम्परेचर। तो उसको हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी कंडीशन, उसमें हम लोग हमेशा उसको क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट रखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं भाई कि अगर किसी ट्रैक पे अगर हाई स्पीड से कोई ट्रेन आपका मूवमेंट कर रही है, ठीक है, तो देन अगर सेम लेवल मेंटेन नहीं रहेगा तो देन बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हाई स्पीड ट्रैक के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो आपका ओवर हेड वायर है वो सेम लेवल को मेंटेन करे, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू कीप द टेंशन इन द कैटेनरी एंड कॉन्टेक्ट वायर कॉन्स्टेंट, ठीक है, अंडर ऑल टेम्परेचर, हर एक किसी भी तरीके का टेम्परेचर हो, लो हो या कम हो, ठीक है। आपका विंटर में टेम्परेचर कम हो जाएगा और समर में आपका टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ वायर्स अलॉन्ग द ट्रैक विच इज रिजल्ट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज अचीव बाय यूजिंग रेगुलेटेड ओ एच ई आइदर एंड ऑफ द टेंशन लेंथ, ठीक है। और ये जो हम लोग सेम लेवल मेंटेन करने का कोशिश कर रहे हैं वो किसके द्वारा संभव हो गया, वो हो गया रेगुलेटेड ओ एच ई के द्वारा, क्योंकि रेगुलेटेड ओ एच ई में हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से ऑटोमेटिक वेट टेंशन
डिवाइस हम लोग क्या करते हैं उसको लेके रखते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ऑटोमेटिक वेट टेंशन डिवाइस है, उसकी सहायता से हमारा क्या होगा कि जो आपका वायर का जो लेवल है, ठीक है, वो हमेशा एक लेवल पे मेंटेन रहेगा। क्लियर। आगे देखिए, द टेंशनिंग डिवाइस, द टेंशनिंग डिवाइसेस कंसिस्टेंस ऑफ ए पुली ब्लॉक। हम लोग देखा था कि दो आपके इस तरीके से आपका टावर था, उनके बीच में जो स्पान लेंथ था वो कितना था, 1500 मीटर था, ठीक है। और दोनों पे हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं किस तरीके से 400 kg का हम लोग वेट आपको अपन ये करके रखते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि वो अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो वो पुली, तो वो क्या जो आपका वेट हम लोगों ने लगा रखा है, ठीक है, जो हम लोगों ने वेट लगा रखा है, ठीक है, वो वेट क्या, वो क्या करे, अपने आप को एडजस्ट करेगा, तो वो तभी एडजस्ट करेगा, एक पुली लगा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे पुली लगा हुआ, उसी पुली के थ्रू वो क्या होता है कि आपका जो वेट है वो अपना एडजस्ट होते रहता है, ठीक है। सपोज दैट कि अगर गर्मी के टाइम पे अगर मेरा जो सैग है जो, ठीक है, वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा धीरे धीरे, जो आपका जो ऑटोमेटिक जो 400 kg का वेट है वो क्या हो जाएगा धीरे 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 नीचे आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कॉन्टेक्ट वायर है उसमें टेंशन आ जाएगा, ठीक है, जो कॉन्टेक्ट वायर है उसमें टेंशन आ जाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उस लेवल पे आके मेंटेन हो जाएगा। विंटर में अगर जो अपना कॉन्टेक्ट वायर है रिड्यूस होकर ऊपर चला गया तो जो नीचे से जो ऑटोमेटिक वेट लगे वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो जो आपका कॉन्टेक्ट वायर है वो धीरे धीरे उस लेवल पे आ जाएगा जहाँ पे अपना पेंटोग्राफ उसको टच करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका, लेकिन ये अगर मान लीजिए कि इस कॉन्टेक्ट वायर को, सॉरी, जो 400 kg का ऑटोमेटिक जो वेट रेगुलेटेड वेट के लिए हम लोग लगा रखे हैं, अगर उसको उसी पोल पे फिक्स कर दें तो किसी भी तरीके का वेरिएशन होगा तो होगा नहीं, तो उसमें हम लोग पुली लगाते हैं, ठीक है। और उसी पुली के थ्रू वो क्या होता है कि इस तरीके से अपना एडजस्ट होते रहता है, क्लियर, टेम्परेचर के वेरिएशन को, ठीक है। तो वहाँ पर पुली लगा हुआ था और उसी पुली पे वो क्या कहता है, कैसे हम लोग कुआं से पानी निकालने के लिए पुली लगा रखते हैं, उसी से रस्सी से अपन ऐसे ऐसे खींचते हैं, ठीक है। अगर उस रस्सी को फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, ना तो बाल्टी नीचे जाएगी ना बाल्टी ऊपर आएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं उस पुली के थ्रू, ठीक है, कि अपना पुली के थ्रू अपन क्या करते हैं कि उस बाल्टी को कुएं के अंदर भेजते हैं, जब पानी भर जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है, खींच लेते हैं, क्लियर। तो वो पुली की सहायता से ही होता है, पुली के थ्रू हमारे क्या आता है कि जो अपना स्मूथ अपना क्या होगा, तो मूवमेंट होगा, क्लियर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, द टेंशनिंग डिवाइस कंसिस्टेंस ऑफ ए पुली ब्लॉक, उसके लिए हम लोग पुली ब्लॉक यूज करते हैं। इंक्रीज इन टेंशन रिड्यूसेस द स्टैटिक इलास्टिसिटी ऑफ द ओएचई एंड मेक्स इट्स मोर यूनिफॉर्म एंड दस इम्प्रूव द डायनेमिक बिहेवियर एंड करेंट कलेक्शन, ठीक है। कि मान लीजिए कि जैसे अपने पास कोई, हमारे पास बहुत टेंशन है, तो हम अगर टेंशन है कि किसी काम का तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन ही नहीं है तो छोड़ देंगे, अरे होते रहेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या कहते हैं कि टेंशन क्रिएट करते हैं, उस टेंशन की वजह से क्या होगा कि किसी भी तरीके का टेम्परेचर की वजह से जो कंडक्टर में किसी भी तरीके का चेंजेस हो रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो टेंशन वेट की वजह से क्या होगा कि वो हमेशा यूनिफॉर्म रहने का कोशिश करेगा और उससे जो आपका कंडक्टर है वो सेम लेवल को मेंटेन करेगा, क्लियर। कास्ट आयरन वेट ऑफ 400 kg, ठीक है, जो आपका जो पोल होता है, ठीक है, वहां पे जो इस तरीके का वेट लगा हुआ रहता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है, अब उसका वेट कितना होता है, 400 kg, जो दोनों साइड में जो अपना पोल पे लगा हुआ रहता है, ठीक है। आर रिक्वायर्ड बाई द ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस इन ऑर्डर टू डेवलप टेंशन ऑफ 100 kg इन ईच ऑफ कॉन्टेक्ट एंड कैटेनरी वायर। मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीके का ऑटोमेटिक वेट टेंशन डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है, वो कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है, उसका वेट कितना होता है, 1400 kg होता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो आपका जो कॉन्टेक्ट वायर है कैटेनरी वायर उसमें आपका 1000 kg 1000 kg का टेंशन क्या होता है, क्रिएट होता है, और उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना कंडक्टर का जो लेवल है उसको सेम लेवल पे बनाए रखने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो वहाँ पे ऑटोमेटिक वेट टेंशन डिवाइस जो यूज हो रहा है वो किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, वो आपका कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है, उसके वेट के बारे में पूछा जा सकता है, उसका वेट कितना होता है, तो उसका वेट वेट होता है 400 kg, ठीक है। और इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका कॉन्टेक्ट वायर है कैटेनरी वायर में कितना टेंशन क्रिएट किया जाता है, तो उसमें दोनों वायर में 1000 kg का जो टेंशन है वो क्या होता है, वो
क्रिएट किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द टू एंड फ्रो ऑक्सीलेशन ऑफ OHA इन द रनिंग कंडीशन ऑफ ट्रेन, इट इज फिक्स्ड इन द सेंटर विच इज नोन एज एंटीक्रिक। हम लोग देख रहे थे ना इस तरीके से, हम लोग देख रहे थे, सपोज डैट मानिए कि ये दो आपका टावर था, ठीक है, और इनके बीच में ये क्या था, ये इनका डिस्टेंस कितना था, 1500 मीटर था, ठीक है, 1500 मीटर था, ठीक है। ये कोई लोकोमोटिव है, ठीक है, यहाँ से चलनी स्टार्ट हुई, क्लियर। तो ये क्या, हाई स्पीड के साथ अगर ये लोकोमोटिव आगे की तरफ जाएगी, तो ये जो ये इस पेंटोग्राफ के साथ ये जो आपका कॉन्टेक्ट वायर भी अटैच है, ठीक है, तो ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट वायर भी धीरे धीरे इसके साथ आगे की तरफ स्लाइड करना चालू कर देगा, ठीक है, कॉन्टेक्ट वायर भी इसके साथ आगे की तरफ स्लाइड करना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो टेंशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टेंशन इंक्रीज हो जाएगा, या जो लेवलिंग है वो लेवलिंग अपना मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 750 मीटर पे इसके इंड को फिक्स कर देते हैं हम लोग, ठीक है, और देन इस इंड पर हम लोग दोनों को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि कि अगर यहाँ पे पेंटोग्राफ इस वायर को टच करेगा, ठीक है, अगर इस पेंटोग्राफ के साथ आपका जो वायर है आएगा, लेकिन यहीं तक तो आएगा, क्योंकि यहाँ यहाँ पर फिक्स इसे आगे जा ही नहीं पाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। जैसे ही आपका लोकोमोटिव आगे क्रॉस कर गई, फिर से आपका जो वायर है वो सेम लेवल पे आगे मेंटेन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या क्या बोलते हैं कि इस तरीके से कि इसको सेम लेवल पे मेंटेन करने के लिए टू एंड फ्रो, इसको क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मतलब पेंडुलम आगे पीछे, कैसे पेंडुलम आगे पीछे करता है, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। और टू एंड फ्रो मोशन को रिड्यूस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उस टेक्नोलॉजी का नाम है एंटीक्रिप, ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं एंटीक्रिप। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एंटीक्रिप लगाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, आपको समझ में आ गया होगा कि कहने का मतलब यही है कि अपने को क्या करना है कि अगर टेम्परेचर की वजह से जो आपका कॉन्टैक्ट वायर है उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस होता है, ठीक है, तो उसके लेवल को सेम मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से ऑटोमेटिक वेट कंट्रोल डिवाइस लगाते हैं जिसका वेट होता है 400 kg, ठीक है, और देन आपका जो कटनेरी वायर है और जो टेन जो आपका कॉन्टैक्ट वायर है उसमें हम लोग 1000 kg का इस तरीके से क्या करते हैं कि टेंशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दोनों के बीच में जो स्पान लेंथ होता है, जो दो टावर के बीच में, दो खंभे के बीच में, वो कितना होता है, 1500 मीटर होता है, ठीक है। और जब ट्रेन चलती है तो पेंटोग्राफ उसका कॉन्टैक्ट वायर को टच करता है, तो पेंटोग्राफ के साथ आपका कॉन्टैक्ट वायर भी आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, इसको रिड्यूस करने के लिए जस्ट उसके बीच में, मतलब ईच 750 मीटर, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइस लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीक्रिप। उसमें क्या होता है कि उसके जो आपका कंडक्टर है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। जब हम लोग फिक्स कर देते हैं तो जो कंडक्टर आगे की तरफ मूव ही नहीं करेगा, और इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो देन यहाँ पे जो आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।